हेलो गाइस, हमारी यूट्यूब चैनल प्रवीण ऑटो टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं कि हमारा ऑयल फिल्टर है, इससे हमारा अगर ऑयल यहाँ से लीक होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, चाहे हमारी BS4 गाड़ी हो या हमारी BS6 गाड़ी हो। चलिए बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, करो स्टार्ट। देख सकते हैं दोस्तों, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट की, हमारा ऑयल फिल्टर से ऑयल लीक होने लगा है। इसमें क्या प्रॉब्लम, इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले हमें क्लिच पल्ला को हमें ओपन कर लेना है, 8 नंबर बोल्ट होते हैं, सारी खोल लेने हैं। इसलिए 1-2-3 ऐसा मुझे जगह बता दो, 10-5 रुपये। दोस्तों, क्लच पल्ला हमारा खुल गया है। दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपको बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे होता है बाल लगा होता है, इसको हमें इस पर लॉक को पहले निकाल लेना है। निकालो, दोस्तों हमारा लॉक निकल चुका है। अब दोस्तों, इसमें हमारा स्प्रिंग है, देख सकते दोस्तों इसमें कितना कचड़ा जम चुका है। दोस्तों, अब हमें इसके अंदर हमारा एक छर्रा होता है, उसको हमें निकाल देना है। बल्ट के निकालो, देख सकते दोस्तों इसके अच्छे हमने छर्रा स्प्रिंग निकाल लिया है। अब दोस्तों, अब देख सकते हैं इसके अंदर कितना हमारा कचड़ा जाम हो गया है। दोस्तों, अब इसकी हम सफाई करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें ऑयल फिल्टर को खोल लेना है। दोस्तों, फिल्टर खुल चुका है। दोस्तों, अब इसकी हम ऑयल से इसकी सफाई करेंगे। दोस्तों, इसका हम कचड़ा बाहर निकालेंगे, जो इसको यहाँ से हमारा जो आता है ऑयल, देख सकते हैं आप, से इसको हम पूरी तरीका से सफाई कर लेंगे और प्रेशर मरवा के देख लेंगे कि हमारी एयर निकल रही है कि नहीं निकल रही है। जैसे दोस्तों हमारा कितना अंदर कचड़ा फंसा हुआ है, इसकी हम सफाई करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा बाल बिल्कुल साफ हो चुका है। और दोस्तों, हमें इसमें दोबारा न्यू बाल नहीं डालना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस प्रॉब्लम कहाँ से आती है, दोस्तों कोई लोग होते हैं मिस्त्री, हमारी जो फिल्टर जाली होती है हमें निकाल देते, इस वजह से हमारा कचड़ा यहाँ फिल्टर पे आके रुक जाता है और हमारा फिल्टर आगे पास नहीं, ऑयल पास नहीं हो पाता, इसलिए हमारा फिल्टर फट जाता है। चलिए अब दोस्तों, इसको हम कसते हैं, फिर देखते हैं आपको हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो हमें अच्छे से पल्ले को कस लेना है, उसके बाद हम चेक करेंगे।
दोस्तों न्यू फिल्टर लगाएंगे। लगाओ दोस्तों, हमारा फिल्टर डल चुका है दोस्तों। अब हम इंजन में ऑयल को डालेंगे, फिर गाड़ी हम अपनी ऑटो चेक करते हैं। दोस्तों हमारा किस पल कच चुका है, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि हमारा ऑयल फिल्टर से ऑयल लीकेज होता है कि नहीं होता है। स्टार्ट करो है? देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी गाड़ी अब स्टार्ट है, कि हमारा ऑयल फिल्टर से कहीं भी ऑयल लीकेज नहीं हो रहा है। दोस्तों आपके पास अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले बाल को निकाल दें और अच्छे से सफाई करके किस पल्ला को कस दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे वीडियो को आने के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।